আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা, আজকে আমি যে ভিডিওটা রিয়াকশন দেব সেটা হলো জয়শঙ্কর ডিড নট হেজিটেট এট দ্য ইউএন, পাকিস্তানস জিডিপি মেজার্ড বাই টেরোরিজম সেস ইন্ডিয়া। ও মাই গড, বিশাল একটা স্টেটমেন্ট দিয়ে ফেলছে এস জয়শঙ্কর। এটি কিন্তু আমরা এক্সপেক্ট করি না, কারণ সাধারণত কিন্তু আমরা দেখে থাকি ভারতের যে কোনো পলিটিক্যাল লিডার হোক, তারা কিন্তু সবসময় ডিপ্লোম্যাটিক ওয়েতেই কথা বলে। কিন্তু এইখানে জয়শঙ্কর যেভাবে কথাটা বলছে, এরকম ভাবে কিন্তু এর আগে কখনোই পাকিস্তানকে বলার সাহস পায় নাই যে পাকিস্তানের জিডিপি মেজার করা হয় টেরোরিজম দিয়া। জানি না এই জিনিসটা শোনার পর পাকিস্তানিদের রিয়াকশন কেমন হবে। তবে চলুন আজকের ভিডিওতে আমরা এটাই দেখে আসি যে প্রশান্ত ধাওয়ান স্যার এই বিষয়টা নিয়ে কি বলে এবং এক্স্যাক্টলি এস জয়শঙ্কর পাকিস্তানকে কি কথাগুলো বলছিল। নমস্তে ভারত, नमस्कार, वेलकम टू स्टडी आईक्यू। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ इंडिया ने एक बहुत ज्यादा, मैं कहूंगा, प्रॉपर जवाब दिया है पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर के स्पीच का। मैंने कल वीडियो ये अपलोड करी थी, पाकिस्तान के पीएम का जो स्पीच है लिटरली क्रेजी था। अपने कंट्री को ये लोग भूल गए थे, कश्मीर का मेंशन लगातार किए जा रहे थे, इंडिया का मेंशन, बेसिकली पूरे स्पीच में ही इन्होंने इंडिया को किया था टारगेट। नाउ जब यूनाइटेड नेशंस में इंडिया की बारी आई, और बाय द वे पीएम मोदी अभी रिप्रेजेंट नहीं कर रहे इंडिया को एट द यूनाइटेड नेशंस, इंडिया का स्पीच दिया है डॉक्टर एस जयशंकर ने, जब इनकी बारी आई तब इन्होंने ये जो डायलॉग बोला है ना, आई थिंक पाकिस्तान ने भी एक्सपेक्ट किया नहीं होगा कि इंडिया के विदेश मंत्री डायरेक्टली ये बात बोल देंगे ओपनली। इन्होंने ये कह दिया कि देखिए, पहली बात तो हम एक ऐसे देश की बात कर रहे हैं पाकिस्तान, जिसकी जीडीपी मेजर की जाती है रेडिकलाइजेशन से, कि कितने लोग रेडिकल वहां पे हो चुके हैं और हर साल कितने आतंकवादी ये लोग प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये जो क्लिप है ये आप देखिए। अ प्रीमियर एग्जांपल इज आवर नेबर पाकिस्तान। अनफॉर्चुनेटली द मिसडीड्स अफेक्ट अदर्स एज वेल, एस्पेशली द नेबर। व्हेन दिस पॉलिटी इंस्टिल्स सच फैनाटिसिज्म अमंग इट्स पीपल, इट्स जीडीपी कैन ओनली बी मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ रेडिकलाइजेशन एंड इट्स एक्सपोर्ट्स in the form of terrorism. Today, we see the ills it sought to visit on others consume its own society. It can't blame the world. This is only karma. Madam President, a dysfunctional nation coveting the lands of others must be exposed and must be counted. Now, 79th United Nations General Assembly में जब जयशंकर साहब स्पीच देने के लिए पहुंचे तो उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि आज ये बहुत कुछ करेंगे, बस हेजिटेट नहीं करेंगे, और हेजिटेट इन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया। बिल्कुल ओपनली जो पाकिस्तान के बारे में ट्रुथ ऑलरेडी काफी सारे लोग जानते हैं, बस आप कह लीजिए, यूएन में ऑफिशियली लोग बोलते नहीं है इसके बारे में, इंडिया ने ऑफिशियली बोल दिया। पहले तो ये कहा कि जो पाकिस्तान के साथ हो रहा है ये कर्मा है, इनके ही कर्म है, ये आज के समय ये लोग इसको भुगत रहे हैं, इनकी जीडीपी रेडिकलाइजेशन और टेररिज्म पे चलती है। और एक ऐसा डिसफंक्शनल देश जो दूसरों की जमीन को कब्जा कर बैठा है, इसे एक्सपोज करना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मुझे लगता नहीं है कि इंडिया ने इससे ज्यादा डायरेक्ट टू द पॉइंट लैंग्वेज कभी यूज करी है पाकिस्तान के बारे में एट द यूनाइटेड नेशंस। दिस इज क्वाइट अनप्रेसिडेंटेड। और आगे जयशंकर साहब ने यह भी कहा कि शहबाज शरीफ जब अपना स्पीच देने के लिए आए तब ये काफी बार कहते रहे कि जी यूएन रेजोल्यूशन के हिसाब से कश्मीर का जो समाधान है निकालना चाहिए, प्लेबिसाइड करना चाहिए। तो उन्होंने ओपनली कह दिया कि आज के समय एक ही काम करना बाकी रह गया है पीओके के इशू को लेकर, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के इशू को लेकर, कि पाकिस्तान को वो एरिया खाली कर देना चाहिए। वी हर्ड सम बिजार असर्शंस फ्रॉम इट एट दिस वेरी फोरम यस्टरडे। सो लेट मी मेक इंडियाज़ पोजीशन perfectly clear. Pakistan's cross-border terrorism policy will never succeed, and it can have no expectation of impunity. On the contrary, actions will certainly have consequences. The issue to be resolved between us is now only the vacation of illegally occupied Indian territory by Pakistan. And of course, the abandonment of Pakistan's long-standing attachment to terrorism. और इंटरेस्टिंगली पाकिस्तानी सोशल मीडिया पे आप अगर देखोगे तो शहबाज शरीफ के स्पीच से ज्यादा जयशंकर साहब का जो ये रिप्लाई है ये जरा पॉपुलर हो गया है। हालांकि मुझे ये बोलना पड़ेगा, जो मैंने आपको क्लिप्स दिखाई है ये जयशंकर साहब का जो लंबा स्पीच है बस उसके छोटे से पार्ट की है। वैसे इनका स्पीच आप अगर देखोगे, इन्होंने बहुत सी चीजों को कवर किया। इन्होंने सबसे पहले तो ये बताया कि दुनिया मुश्किल दौर से गुजर रही है, अभी अभी पेंडेमिक खत्म हुआ है,
उसके बाद हम देखते हैं कि यूक्रेन रशिया वॉर तीसरे साल में पहुंच चुकी है, जो कॉन्फ्लिक्ट हो रही है गाजा में, इसके वाइडर रेमिफिकेशन है। इंटरेस्टिंगली इंडिया ने गाजा वॉर को लेकर इसराइल की आलोचना नहीं करी, इसराइल के अगेंस्ट कोई भी स्टेटमेंट इंडियन स्पीच में आपको नहीं दिखेगी, जबकि कई यूरोपियन कंट्रीज हैं और बाकी कंट्रीज हैं वो इसराइल की आलोचना कर रहे थे कि जो गाजा में किया जा रहा है ये गलत है। फिर जयशंकर साहब ने आगे ये कहा है कि यूनाइटेड नेशंस पर से दुनिया का जो विश्वास है ये धीरे धीरे कमजोर हो रहा है, हमें रिफॉर्म्स चाहिए यूएन में, और ऑब्वियसली जब हम रिफॉर्म्स की बात कर रहे हैं उसमें इंडिया जैसे इम्पोर्टेंट कंट्री का होना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, नहीं तो दुनिया की जो प्रॉब्लम्स हैं हमें सुलझा नहीं पाएंगे। और ऐसी बातों को आप यूएन के सामने रखोगे कैसे, ये मैटर करता है। जयशंकर साहब ने जो वर्ड्स चूज किए हैं ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, इन्होंने ये कहा कि देखिए ग्लोबल ऑर्डर बहुत ज़्यादा प्लुरिस्टिक है, जब यूनाइटेड नेशंस शुरू हुआ था तब यूएन के 51 मेंबर थे, जो रियलिटी है आप अगर हिस्ट्री पढ़ोगे, जब इनिशियली यूएन स्टार्ट हुआ इट हैड ओनली 51 मेंबर्स, धीरे धीरे कई कंट्रीज को विश्वास आया यूएन में और फिर इवेंचुअली आज के समय यूएन के 193 मेंबर्स हो चुके हैं। द वर्ल्ड हैज चेंज प्रोफाउंडली एंड सो हैव कंसर्न्स एंड अपॉर्चुनिटीज। नाउ तब से लेकर अब तक दुनिया बहुत जरा बदल चुकी है, वर्ल्ड वॉर टू से लेकर अब तक अगर हम देखें द होल वर्ल्ड हैज चेंज। तो बहुत जरा इंपॉर्टेंट है कि यूएन का जो फंडामेंटल सिस्टम है, जो हम यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की अगर हम बात करें ये पुराने जमाने का ही रहे, लार्ज पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड कैनॉट बी लेफ्ट बिहाइंड व्हेन इट कम्स टू डिसाइडिंग द की इश्यूज ऑफ आवर टाइम्स। नाउ ये जो स्टेटमेंट है ना ये बहुत ज़रा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप एक बात नोट करना, जब बाकी वर्ल्ड लीडर्स बात करते हैं ना यूएन सिक्योरिटी काउंसिल के रिफॉर्म्स की, इंडिया को लाने की, तो ऑलमोस्ट हर लीडर ये कहता है कि इंडिया को लाना चाहिए, साथ ही साथ जर्मनी को, जापान को, या मान लीजिए रशिया बात करेगा तो रशिया कहेगा कि इंडिया के साथ साथ अफ्रीकन कंट्रीज को लाना चाहिए। बहुत कम देश हैं जो ओपनली कहते हैं कि सिर्फ इंडिया अकेला एज ए कंट्री डिजर्व करता है मेंबर एट द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। यूजुअली लोग कहते हैं कि एज ए ग्रुप इन सब कंट्रीज को लाना चाहिए। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का नंबर अभी अगर मान लीजिए परमानेंट मेंबर्स के मामले में 5 है, तो इसको 7-10 के आसपास हम परहैप्स कर सकते हैं। और ये इंडिया के सामने देखिए बहुत ही बड़ा चैलेंज है, क्योंकि इस बात को लेकर प्रॉपर कंसेंसस नहीं बन पा रहा कि भारत के साथ साथ किन कंट्रीज को ऐड करना चाहिए यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में। यूके और फ्रांस चाहते हैं कि जर्मनी को ऐड करो, रशिया कहता है कि जर्मनी की क्या आवश्यकता। उसी चक्कर में जो एक्सपेंशन है यूएन सिक्योरिटी काउंसिल का वो रुक जाता है, इंडिया को जो सीट मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पाती। तो इंडिया ने सीधा सीधा किसी कंट्री का नाम नहीं लिया, जो एक G4 ग्रुप बना हुआ है आज के समय उसका मेंशन तक नहीं किया। इंडिया ने ये नहीं कहा कि जर्मनी को भी और जापान को भी यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की सीट चाहिए। इंडिया ने ये कहा कि दुनिया के बड़े हिस्से आप इनको पीछे नहीं छोड़ सकते डिसीजन मेकिंग के प्रोसेस में, अगर आप ऐसा करते हैं तो यूएन एक एफिशिएंट इफेक्टिव बॉडी का जो ये रोल है ये प्रॉपरली नहीं निभा पाएगा। तो ओवरऑल मैं कहूंगा एक बहुत अच्छा स्पीच था, हालांकि बांग्लादेश में जो माइनॉरिटीज के साथ हो रहा है वो बात इन्होंने मेंशन करी नहीं अपनी स्पीच में, बांग्लादेश का मेंशन तक नहीं था स्पीच में, वो थोड़ा सा और लगा, बट ओवरऑल आप कह सकते हैं एक बहुत ज़रा इम्पैक्टफुल स्पीच था भारत के विदेश मंत्री का एट द यूएन। হ্যাঁ, আসলে প্রশান্ত ধওয়ান স্যার যেখানে বললো যে ভারতের কোন লিডার এখন পর্যন্ত কিন্তু পাকিস্তানকে এরকম ভাবে কোনো কথা বলতে পারে নাই, এবং আমিও কিন্তু কখনো এরকম ভাবে শুনি নাই যে ভারতের কোন লিডারের মুখ থেকে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এমন করা কথা যে পাকিস্তানের জিডিপি মেজার করা হয় টেরোরিজম দ্বারা। চিন্তা করা যায় যে আমরা কিন্তু এরকম কখনোই ভাবি নাই যে ভারতের বিদেশ মন্ত্রী কেন, ভারতের কোন একটা মন্ত্রী যে পাকিস্তানের বিরুদ্ধে এমন কথা বলতে পারবে, মানে এক কথায় পাকিস্তানের সাথে টেরোরিজম কথাটা যুক্ত করতে পারবে, তাও ইউনাইটেড নেশনের মতো এরকম একটা জায়গায়। আমি মনে করি এটা ভারতের অনেক বড় একটা স্টেপ জিও পলিটিক্যাল নিজেদেরকে আগায় রাখার জন্য, কারণ যেটা ইউনাইটেড নেশনে পাকিস্তান করে দেখাইতে পারে নাই সেটা কিন্তু ইন্ডিয়া করে দেখাইছে। কারণ এমনি সময় কিন্তু পাকিস্তান অনেক বড় বড় কথা বলে কিন্তু তেমন কিছু করতে পারে না, বাট এস জয়শঙ্কর কিন্তু এটা করে দেখাইছে ইউনাইটেড নেশনের মতো এত বড় একটা জায়গায় যায় পাকিস্তানকে আমি বলবো উচিত শিক্ষা দিছে। কারণ পাকিস্তানে যে ধর্মের নামে টেরোরিজম চলে এই জিনিসটাকে আমি একদমই সাপোর্ট করি না, আমাদের ইসলাম ধর্মের ইমেজটাকে কিন্তু খারাপ করে ফেলাইছে এই পাকিস্তানের সো কল্ড মুসলমানরাই। কারণ পাকিস্তানিদের এই যে ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ির জন্যই কিন্তু অন্যান্য ধর্মের মানুষদের মনে ইসলামের প্রতি একটা খারাপ ইমেজ তৈরি হয়েছে, এবং আমি চাই এই জিনিসটা যেন খুব দ্রুত সমাধান হোক, এবং ইসলামের প্রতি যে খারাপ একটা ইমেজ তৈরি হয়েছে মানুষের মধ্যে সেটা যেন তাড়াতাড়ি দূর হয়। কারণ আমাদের ইসলাম কিন্তু কখনোই ধর্ম নিয়ে বাড়াবাড়ি করতে বলে নাই এবং আমাদেরকে সবসময় শান্তির পথে চলতে বলছে, কিন্তু এই অশান্তি সৃষ্টি করছে কে, এই পাকিস্তানের মানুষরাই। সো আমার মতে এস জয়শঙ্কর এখানে পাকিস্তানকে একটা উচিত শিক্ষা দিছে, আপনার কি মনে হয় সেটা অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর যদি ভিডিওটা ভালো লাগে তাহলে একটা লাইক দিতে ভুলবেন না, আর এরকম সব ভিডিও পেতে চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন। আজ আসি, আল্লাহ হাফেজ।